उमेशपाल हत्याकांड में शामिल रहा विजय उर्फ उस्मान सोमवार सुबह पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो गया। प्रयागराज के कोंथियारा थाना इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम और आरोपी उस्मान के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में उस्मान को गोली लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि हत्याकांड में दोषी किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों के मददगारों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि उस्मान पर 50,000 रुपये का इनाम था। उसने पुलिसकर्मियों पर भी गोली चलाई थी और मारा गया। अतीक अहमद के भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। हम सभी अपराधियों को सजा दिलाएंगे। इससे पहले पिछले सोमवार को मिशपाल और दोनों सिपाहियों की हत्या में शामिल अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। पूर्व विधायक राजीव पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कुछ हथियारबंद लोगों ने फायरिंग करके तथा बम फेंक के की थी। उस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे दो पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। बाद में हमारे दोनों जवान भी शहीद हुए। शहीद जवानों के परिवारजनों को शासन के द्वारा जो अनुमन्य सहायता राशि थी वो मुहैया करा दी गई है।